हेलो एवरीवन, होप आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है एक नए दिन से। तो आज है हैप्पी सैटरडे। मेरी ज़ुबान की तोतला आ रही है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने ब्लैक पहना है। तो अभी मैं लोअर भी नीचे से ब्लैक ही पहनने वाली हूँ, आई मीन ट्राउज़र। तो आज हम रेडी हो रहे हैं कहाँ के लिए। तो आज हम जा रहे हैं आर्मी कैंटीन तक कुछ सामान लाने के लिए। तो आज हम वहाँ पर जाके देखेंगे, क्योंकि मैंने भी और मम्मी ने भी कभी विज़िट नहीं किया आर्मी कैंटीन में। तो आज हमारा पहली बार है वहाँ पे जाना। वहीं जाकर देखेंगे कि हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और मिलते हैं बाबा आपसे रास्ते में। कैसी लगी धूप? तो घर से निकल गए थे हम और अभी मम्मी चल रहे हैं बहुत फास्ट फास्ट, क्योंकि गाड़ी हमारे लिए आ गई थी और गाड़ी खड़ी थी यहाँ पर। तो हमारे साथ अंतरिक्ष जा रहा था आज और यहाँ हम बैठ गए गाड़ी में। और आज का मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप लग रखी है और बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ही प्यारा लग रहा है। उसी के साथ हम पहुँच गए यहाँ पर आर्मी कैंटीन में और हमको जाना है राइट साइड वाली कैंटीन में। तो जो रामपुर से होंगे तो उनको पता ही होगा, जो लेफ़्ट साइड पे कैंटीन है वो कॉस्मेटिक के लिए है और जो राइट साइड पे वहाँ पर ग्रोसरी आइटम्स मिलती है। तो हमको आज लेना था ग्रोसरी आइटम्स, तो हम जाएँगे राइट साइड। तो यहाँ पर घुसते ही सबसे पहली चीज़ जो मैंने देखी वो थी यहाँ की क्लीनलीनेस, और बहुत ही ज़्यादा डेकोरेट कर रखा था। जो चीज़ यहाँ पे अट्रैक्ट कर रही थी वो था ये जो पलाई, यहाँ जगह का नाम है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया था। और हमको इसी कैंटीन में जाना है जो सामने दिख रही है, और मैं आपको अंदर जाके थोड़ा बहुत सामान भी दिखाती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या होता है। और हम यहाँ पर कार्ड पर ही गए थे क्योंकि हमारी फैमिली में कोई आर्मी से था, उसी के ऊपर हम गए हैं। कौन सी? ये ऊपर ताजमहल है, रेड लेबल है, बाकी ये जो भी है वो सारा सामान खाएगा। मैं तो जनरल स्टोर खोल रहे हैं। आपने लिया? सबने लिया, स्पेशल आए थे। तो अभी हम आए थे खनारी न्यू गिल की, एक न्यू ब्रांच यहाँ पर खुल रखी है। तो जैसे कि आप सामने देख सकते हो, इसी जगह पे हमको जाना है। और ये रहा इसका इंटीरियर जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और सोबर है। और अब हम जाएंगे रेस्ट्रो एरिया पे, क्योंकि जो ग्राउंड फ्लोर है वो बेकरी एंड स्वीट शॉप है और वहाँ पर आपको सारी स्वीट चीज़ें ही मिलेगी। तो हमको तो यहाँ पर आज स्नैक्स ट्राई करने थे, तो हम रेस्ट्रो एरिया पर आए हैं और अभी यहाँ पर कुछ काम रहता भी है। हेलो, प्रीतिका मेहता पहाड़ों से। अरे कुछ और रखो। अच्छा, कुक विद जिज्ञासा कर ले अपनी प्रमोशन, कुक विद जिज्ञासा। मैं अभी आज मैं जन्माष्टमी की बात डालूंगी। पिछली बार मैंने जन्माष्टमी में शुरू किए थे प्रॉब्लम। तो अभी हम वापस आ गए कैंटीन से और अभी हम बैठे एक न्यू जगह पे, तो उसका नाम न्यू गिल है और ये न्यू रेस्टोरेंट खुला है रामपुर में। तो अभी हम इसका खाना ट्राई करेंगे, आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे आना बनता है या नहीं बनता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे मंगाया था मसाला डोसा जो बहुत ही ज़्यादा यम था, और उसके बाद हमने मंगाया था वाइट सॉस पास्ता, उसी के साथ हमने मंगाए थे नूडल्स। तो सारे के सारी चीज़ों का फीडबैक एक बारी हम खा लेते हैं, उसी के बाद देंगे। हाउ इज़ इट? टेस्टी, बहुत अच्छा। मसाला डोसा तो बहुत अच्छा, पर अभी हमने बट खाया नहीं। साइड में चलो, कहीं हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए, इससे पहले हम उठ जाए। हाँ प्लीज। और हमने खाना खा लिया जी जैसा, और खाना बहुत अच्छा था। खाना नहीं, हमने चाइनीज स्नैक्स खाया था, चाइनीज और साउथ इंडियन। हमने ये वाला फीडबैक मेरी तरफ से ओके है, आप आ सकते हो अपनी फैमिली के साथ। और अभी मेन कोर्स हमने खाया नहीं, जब हम खाएंगे उसकी भी फीडबैक देंगे। ये हमको अपने बर्थडे में पार्टी देगी। हाँ, मैं अपने बर्थडे में डिनर पार्टी अगर करा। कुक विद जिज्ञासा ब्लॉग सब्सक्राइब। उसके बाद हम निकल गए थे खोपड़ी वाले घर के लिए और यहाँ अंतरिक्ष हमारी सेवा कर रहा था। हम थोड़ी देर यहीं पे बैठे और पापा का वेट किया, बस पापा आए और हमारे पास इतना सारा सामान था तो उसी को लेकर हम वापस घर चले गए। और यहाँ पहुँच गए हम घर और सब और सारा सामान हमने टेबल पे एग्जीबिशन की तरह लगा दिया है। मेरे हस्बैंड एंड पापा को दिखा रहे थे कि हम क्या क्या लेके आए। और सबसे पहले इस बॉटल पर डिस्कशन लगी थी, क्योंकि यही सेम बॉटल है जो हमने शादी में गुम कर दी थी और हम सेम बॉटल लेके आए हैं। बस हम पहुँच गए घर, सारा सामान भी आ गया, सारा सामान सेट डाउन कर दिया है हमने। और मतलब इतना सारा सामान ले लिया, कुछ सामान लेने गए थे और उस चक्कर में वहाँ पर इतना सामान दिखा कि खर्चा एक्स्ट्रा ही हुआ है।
मतलब बेशक कंटीन वगैरह में सामान ऐसा लगता है कि सस्ता है, बट सस्ते के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें ली जाती है। पर चलो जो भी था यूज़फुल चीज़ें ही लेके आए, कुछ फालतू का चीज़ लेके आए नहीं है। और बस अब मुझे डिनर बनाना है। वैसे तो मैं चावल चढ़ा दिए, दाल बनी है, उसके अलावा अभी बस मैं सब्जी बनाने वाली हूँ। तो मैं आज बना रही हूँ पत्ते की सब्ज़ी। जो पत्रोड़ू मैंने उस दिन बनाए थे, उसी तरीके से मैंने कल भी पत्रोड़ू बनाए थे, बस आज मैं उसकी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। आज तो बस थक चुके और अब बस रेस्ट ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगी। एवरीवन, विशिंग यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी रक्षाबंधन। होप सब आप सब इसी तरीके से सुरक्षित रहे, और जिसको भी आप अपनी राखी बांधते हो वो आपकी वैसे ही प्रोटेक्शन करते रहे। कोई जेंडर इसमें मैटर नहीं करता मेरे हिसाब से। तो चाहे आप भाई को राखी बांधो, चाहे आप बहन को राखी बांधो, चाहे आप अपने छोटों को राखी बांधो, चाहे बड़ों को राखी बांधो, प्रोटेक्शन इज़ प्रोटेक्शन। तो आप जिसको राखी बांधना चाहते हो दिल से, आप उसे राखी बांध सकते हो। जैसे कि मैं अपनी बड़ी बहन को राखी बांधती हूँ और वो मुझे राखी बांधती है, तो हम दोनों इक्वली दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। तो राखी टाई करना तो बनता है। तो मेरी राखी भी आ गई है, जैसे मैंने आपको दिखाया भी था पिछले व्लॉग में, पर राखी बांधने वाली मेरे साथ नहीं है। नहीं, पिछली राखी हमने साथ सेलिब्रेट की थी क्योंकि मैं चंडीगढ़ में थी, तो इस राखी तो मुझे अकेले ही सेलिब्रेट करना पड़ेगा। और पूरे घर में कोई भी नहीं है क्योंकि आज अनफॉर्चुनेटली मंडे आ चुका है, तो इनकी भी जितनी सिस्टर्स थी वो भी घर नहीं आए हैं। सारे आई थिंक शॉप पर जाके ही राखी टाई करेंगे और वहीं से वापस चल जाएंगे। मे बी कुछ गेस्ट शाम के टाइम घर आए, वो अलग बात है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो मैं अभी उस बारे में कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकती। तो आज मतलब मैं घर में अकेली हूँ और बहुत ही मतलब गंदा लग रहा है। लिटरली मैं आपको बताऊँ तो बहुत गंदा लग रहा है। मतलब फेस्टिवल के दिन में अगर आपको अकेला रहना पड़े तो कितना मतलब बुरा फील होता है। बट हाँ, मैं किसी चीज़ को नेगेटिवली ज़्यादा नहीं लेती हूँ, तो मैं पॉजिटिवली साइड ही ले रही हूँ। एटलीस्ट मैं नहीं सेलिब्रेट कर पाई तो बाकी तो सेलिब्रेट कर ले, और बाकी जो काम से गए उन्हें भी काम करना ही पड़ेगा। कोई घर पर नहीं रुक सकता, अपना काम तो चलता ही रहता है, उसे हम नहीं रोक सकते। तो ऐसा ही है आज का दिन। तो मन तो बहुत था आज की, तैयार होना है, राखी टाई करनी है, ये है वो है, इवन मैंने खाना भी बना रखा था। पर चलो जो भी है जैसा भी है। तो अभी मैंने आपको प्लेट दिखाई कि मैंने बिल्कुल डेकोरेट कर रखी है। मैं अभी मुझे रक्षाबंधन पे सामान भेजा गया है वो मैंने एक प्लेट में कलेक्ट कर दिया है, और उसके साथ गुड़ रख दी क्योंकि मैं स्वीट्स खाना ज़्यादा पसंद नहीं करती। गुड़ मैं फिर भी खा लेती हूँ तो मैं गुड़ खा रही हूँ, और उसी के साथ अपनी राखी खुद ही टाई करूँगी अपने को, और साथ में वीडियो कॉल करूँगी अपने सिस्टर को और देख देख के राखी बांधूँगी, उसे भी बंधवाऊँगी। और बस इसी तरीके से हम अपना राखी आज का सेलिब्रेट करेंगे, और होप कि आप सभी का रक्षाबंधन बहुत 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 अच्छा जाए। और मेरी तरफ से आप सबको फिर से एक बारी रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। बहुत मशक्कत के बाद मैंने राखी फाइनली बांध दी अपने आप को। तो मैंने दो राखियाँ बांधी जैसे कि आप देख सकते हो। तो दो राखियाँ इसलिए बांधी है कि एक राखी तो मेरी सिस्टर ने मुझे भेजी है, एक राखी मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ ने भेजी है, वो मुझे बांधते हैं। तो उन्हीं की तरफ से ये दूसरी राखी है, इस साल वो भी नहीं आ पाए। तो उसी के साथ मैंने कर दिया है लंच, और लंच बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। छोले इवन पतोड़ूस बहुत ज़्यादा बढ़िया बने थे, बहुत यम थे, और मैंने इतना ज़्यादा खाना खा दिया कि मैं घर के अंदर ही वॉक करना स्टार्ट कर दिया है। वैसे तो पानी नहीं आ रहा है तो उसके चक्कर में वैसे ही बहुत वॉक हो रही है। आज सुबह से मैं पानी के चक्कर में ऊपर नीचे इतनी बार वॉक कर चुकी हूँ कि मैं बता नहीं सकती। पर उसी के साथ खाना इतना हो गया है तो मैं सोचा थोड़ा वॉक घर के अंदर भी कर लेती हूँ। तो अभी बस मैंने मोटर भी चला रखी है तो उसका ध्यान भी रहे, इसलिए मैं साथ साथ वॉक भी कर रही हूँ। और जैसे मैं वॉक एंड करूँ मैं मोटर भी बंद कर दूँगी, और आई होप कि अब सबको पानी मिल जाए क्योंकि राखी के दिन में गेस्ट भी आते हैं, बहुत कुछ होता है तो सबको प्रोवाइड होना चाहिए। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय।